झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के खांडवा गांव के तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। खांडवा गांव की जोहड़ी में बने तालाब में शव की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सूचना मिलने पर बुहाना पुलिस मौके पर पहुंची, तालाब के नजदीक खड़े लोगों को दूर करने की कोशिश की, साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पहचान नहीं हो पाई। सीआई कस्तूर वर्मा ने बताया कि खांडवा ग्राम के ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि शिव जी के मंदिर के पास में बने तालाब में शव तैरता दिखाई दे रहा है। जहां पर हम मौके पर पहुंचे, शव की पहचान नहीं हो पाई है, पहचान जारी है। अभी एक घंटे पहले सूचना मिली थी हमें, कोई लड़का गया था तालाब के ऊपर, उसने देखा कि कोई आदमी पानी में ऊपर डूब रहा है। उन्हें आगे माने सूचना दी, हम जाके देखा तो हमने तो पहचाना नहीं, वो मुँह उसका नीचे पानी में दबा हुआ था। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, फिर हमने उसका मुंह पलटा पानी में बाहर निकाल देखा तो हमारे गांव का तो कोई व्यक्ति है नहीं। अभी ये बाहर का है, इसका हमें कोई जानकारी है नहीं, ये भी नहीं पता कि ये कब पड़ा है। हमें तो एक घंटे पहले सूचना मिली। ये निशान खून के दाग हैं, पैरों में खून के निशान है। एक चप्पल इसने पहन रखा पैर में, एक चप्पल बाहर है, सिर पे तो अलग मंडा सिमा रखी है, सफ़ेद पजामा सफ़ेद सर पर रखी है।